अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो लोड किया था, उसमें अपना एक तरीका बताया था और आप लोगों से मदद की अपील की थी, लेकिन बाज़ लोग उसको बिल्कुल ही दूसरे मतलब में ले गए। वो समझे शायद मैं उनको गाइड कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपसे हेल्प चाह रही हूँ क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है। मैं अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही हूँ, इससे पहले मैंने रेगुलर स्टडीज़ की हैं और मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। टाइम कम है और मटेरियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को मेरी मदद की ज़रूरत है उनके लिए मैं एक छोटी सी गाइडलाइन दे रही हूँ कि मैं असल में किसी भी बुक को जब अप्रोच करती हूँ तो मैं उसको कैसे देखती हूँ। सबसे पहले तो जैसे कोर्स नज़र आ रहा है आपको 6500 का, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसमें मैंने मेन पॉइंट्स लिए हुए हैं कि ये असल में किस चीज़ के बारे में बताती है, कि फाउंडेशन जो है किसी भी मतलब तालीम की जो बुनियाद है उसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो लाजमी है कि उसकी डिफिनीशंस, उसकी तारीफ़ पता होनी चाहिए, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, फिर उसके बाद उसकी फ़िलासफ़ीज़ जो हैं उसका इम्पोर्टेंस, उसके बाद जी वैल्यूज़ एंड सोसाइटी आ जाती है इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, फिर रोल ऑफ टीचर, मीडिया एंड सोशल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन द सोसाइटी, उसके बाद आ जाता है स्कूल ऑफ थॉट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्कूल एजुकेशन, फाइनेंसिंग इन एजुकेशन इन पाकिस्तान, कि क्या ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपको देती है। हालांकि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और गरीब मुल्क है, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ करता है हमारी स्टडीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए। फिर आता है जी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस। इसके अलावा तीन और टॉपिक्स हैं जो दूसरे कोर्सेज से लिंक्ड हैं, जैसे कि रोल ऑफ़ साइकोलॉजी इन एजुकेशन, ये 6501 में आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ इस्लामिक फिलॉसफीज इन एजुकेशन, ये 6505 में कर सकते हैं। और उसके अलावा एक टॉपिक के बीच में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, रिलेशनशिप ऑफ आइडियलिज्म विद एम्स एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये जो है फिलॉसफीज में कवर कर लें, इसको अलहदा से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझती हूँ इतनी गाइडेंस, जो कि गाइडेंस नहीं है बेसिकली, ये मेरी सजेशन है, वो काफ़ी है किसी भी सब्जेक्ट को डिवाइड करने की और उसके बाद फिर उसको पढ़ने की।